हाय वाह फैमिली। सो आज आप लोगों को बैकग्राउंड देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो क्या है। आज की वीडियो है रिपब्लिक डे मेकअप लुक। फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद दिस इनसाइट प्राइमर, तो मैं इसको अपने टी जोन एरिया पे एंड जहाँ जहाँ मुझे पोर्स दिख रहे थे उन एरियाज पे लगा लूंगी टू फिल माई पोर्स। देन आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 02 सैंड सेबल। Now I'm using this Sus Beauty का Ultimate Shadow Palette for filling my brows. So if you're a beginner and आपको perfect brows चाहिए but वो मिल नहीं पाती है एकदम like perfect and refined brows, तो आप क्या गलती करते हो? Actually हम क्या करते हैं, हमारी ये जो body होती है ना, like front part जो होता है brow का, जो front part होता है उसको बोलते हैं body and back part को बोलते हैं tail. लोग क्या करते हैं, body को 50%, tail को 50% रखते हैं, बट अपनी बॉडी को 50 एंड टेल को 70% रखना चाहिए। इससे लाइक ब्राउ डिफाइंड एंड परफेक्ट आती है। नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ग्लेज़ का कलरबोर्ड आई शेडो पैलेट। यू कैन यूज एनी आई शेडो पैलेट, आपको बस उसमें से एक रस्टी एंड यू नो बॉन्ड ऑरेंज और एक थोड़ा वाइब्रेंट ऑरेंज, इन दो शेड्स को मिक्स करके लगाना है अपनी क्रीज पे। Then using the same concealer, I'm creating a cut crease. Then I'm using this Akash का green eyeliner and believe me, this eyeliner was so superb and amazing. The tip was like so precise and sharp. मतलब जो पतली tip winged eyeliner के लिए चाहिए होती है ना, इसकी tip बिल्कुल वैसी थी and I'm loving this. हेयर इज़ अ सिचुएशन जो आपके साथ बहुत बार हुई होगी। ऐसे क्या होता है लाइक जब हम आई लाइनर लगा रहे होते हैं तो कितनी बार वो मेस्ड अप हो जाता है, ऊपर नीचे इधर उधर आई लाइनर लग जाता है। आपने घबराना नहीं है, आपने कंसीलर या एक फाउंडेशन लेना है एंड उस एरिया पे जहाँ पर आपका आई लाइनर लगा है वहाँ लगा करके उसको ब्लेंड कर देना है। तरीके से ब्लेंड करने के बाद अगेन अपना आई लाइनर उसके ऊपर लगा दो एंड येस यू आर डन। पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर आपका आई लाइनर लगा।
नाउ आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर एंड इससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी। यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ बट वीडियो शूट नहीं हुई, लाइक मैं हाइलाइटर ही लगा रही थी उसके बाद वीडियो शूट होना बंद हो गई, तो मैं से सॉरी। बट मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। करा है फाउंडेशन, उसके बाद मैंने यूज करा है कंसीलर एंड उसके बाद उन दोनों को मैंने सेट किया है विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पैक्ट। So now I'm using this Just Herbs का lip and cheek tint. Now I wanna share my review about this particular lip and cheek tint. बहुत अच्छा lip and cheek tint है. The pigmentation is 100/100. Like अगर आप ये वाला lip and cheek tint use कर रहे हो then you have to be harsh to your skin. Because ये easily blend नहीं होता. Yep, बाकी overall जो tint है वो बहुत अच्छा है. Next, I'm using this Miss Rose ka baked blusher palette and this was so amazing. Mujhe like pasand, bahut zyada pasand isliye aa raha tha because iska jo shade hai wo hai thoda rose gold and mujhe rose gold shade bahut pasand hai, to iska ek reason ye ho sakta hai. Isme like jo glitter particles hain wo bahut subtle hain, to aapko highlighter ki zarurat nahi hai. And secondly, ye dewy effect dene ke liye ya fir dewy look ke liye bahut achhi tarike se kaam kar raha hai. Here is our final look. Now मैंने lipstick के लिए तीन shades को mix करा है, nude, brown and pink. And yep, that's it for today. I'm gonna meet you on my next video and तब तक के लिए tata, bye bye. And don't forget to subscribe.